तो चूचा एक्चुअली में चूचा है. रियली? यस, वो एक्चुअली में चूचा है. वो मतलब दिल का बहुत साफ इंसान है, बहुत ही बचपना है उसमें और बहुत मज़े करता है. उसको स्ट्रेस लेने की इतनी आदत नहीं है. सो आई फील कि मेरी लुक्स की वजह से मुझे थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं और जो लेयर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो थोड़े कम ऑफर होते हैं. एंड आई एम वेरी हंग्री फॉर देम. कभी भी मदद मांगने से नहीं झिझकना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप किसी से मदद नहीं मांगेंगे ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं देती है. आपको मांगना पड़ता है. इट इज़ अ रूल ऑफ नेचर. मोमेंट यू विल आस्क द हेल्प विल कम. शादी कब करूँगा? जब प्रीति हाँ बोल देगी मैं कर लूँगा. नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा और आज मेरे साथ है एक फुकरा जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया है. इतना प्यार किया है कि अभी बैठ के गिनने में गिनाई चल रही है. पुलकित सम्राट है हमारे साथ. पुलकित, कितना मजा आ रहा है क्योंकि बहुत सारे नंबर, अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं चारों तरफ से. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम की तारीफ होती है और लोगों को पसंद आता है. सो बहुत ही ग्रैटिट्यूड भरा हुआ अभी दिल में और दिल से शुक्रिया है सबको. क्या बात है. जब हम फुकरे की बात करते हैं ना, हर कोई हनी हनी के उस अंदाज का दीवाना है. मुझे ये बताइए, ये हनी कहाँ से आया, कहाँ से ढूंढा? ये खुद की ईजाद थी? क्योंकि मुझे पालिका वाली थोड़ी स्टोरी की डिटेल पता है तो अब मुझे वो स्टोरी भी सुननी है. नहीं मतलब देखिए, बेसिकली कोई भी कैरेक्टर हो या कोई भी फिल्म पे जब आप काम करते हैं वो जुगलबंदी होती है. right. जो पेपर पे लिखा हुआ है वो राइटर ने लिखा है, जो उसको स्क्रीन पे लेके आएंगे वो आपके डायरेक्टर होंगे. और इस केस में राइटर के साथ साथ डायरेक्टर ने भी फिल्म लिखी है तो उनको ये एक एक किरदार पता है. सिर्फ हनी ही नहीं, चूचा भी, भोली भी, पंडित जी भी, लाली भी. सो ये सब उनके अंदर से ही निकल कर आए हैं. लेकिन जब मैं एज एन एक्टर किसी प्रोजेक्ट पे आता हूँ या किसी फिल्म पे आता हूँ तो मेरा काम एज एन एक्टर है कि उसको पेपर से ऊपर लेके आना. और अगर मैंने वो कर लिया तो उसमें टीम वर्क की जीत है. ये मेरा सोलो का काम नहीं है. क्योंकि मैं, जैसे आपने कहा पालिका की कहानी, मैं सिर्फ अपने छोटे छोटे इनपुट्स दे सकता हूँ. जिसमें कि मैं एक्चुअली पालिका बाजार गया था जब मैंने होमवर्क करना स्टार्ट किया था इस पर कि मैं किस तरह का कैरेक्टर बनाऊँ और उसमें किस तरह के मैनरिज्म्स रखूं. तो मैं एक्चुअली जनपद गया और वहां पे मैंने शॉपिंग करनी स्टार्ट करी. तो मैं एक जीन्स की दुकान पे पहुंचा जो साइड में ठेले लगे होते हैं. उसमें से एक लड़का जो है वो जीन्स बेच रहा था. उसके चलने का अंदाज़, उसके खड़े होने का अंदाज़ और उसके बोलने का अंदाज़ वो मुझे एकदम से बहुत कैची लगा. तो मैंने उसको पूछा कि भाई तू बॉम्बे चलेगा मेरे साथ? मेरे साथ एक महीना रुक जा वहाँ पे, मैं तेरा सब पूरा ध्यान रखूँगा. कहते हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चलूँगा बॉम्बे, आप बताओ मेरे को कब चलना है ये सब. अच्छा. तो मैंने उसके थोड़े से मैनरिज्म्स वहीं से पकड़ने स्टार्ट किए. हालांकि वो, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया उसके बाद. ओह गॉड, वो गायब हो गया. मैं जनपद भी दोबारा वापस गया तो वो मुझे नहीं मिला. बट हिज मैनरिज्म और उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, वो सब मैंने पकड़ लिया. और वही अब उसको मेरे ख्याल से पता भी नहीं है कि उसके तरीके पे बेस्ड हनी को कितनी तारीफें मिल रही हैं. मतलब उसको बेचारे को पता भी नहीं है कि उसके किरदार को देख के. करेक्ट. एक कितना चर्चित, पॉपुलर और पसंदीदा किरदार. वही मुझे एक महीना दे देता आज मैं उसके साथ सेलिब्रेट कर रहा होता. राइट. आधा स्टार तो वही बन गया होता. वही बन गया होता. बट सीरियसली बिग थैंक यू टू हिम, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ पर्सनली और अगर कभी दोबारा मिलूँ तो मैं 100% उसको थैंक यू बोलूँगा. क्या बात है. तो अगर आप देख रहे हैं तो देखिए पुलकित, मतलब इससे ज़्यादा स्वीट क्या होगा कि वो यहाँ से ही आपको थैंक यू बोल रहे हैं. बट पुलकित, आप खुद दिल्ली से हैं. अब जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मुझसे कोई गए राजस्थानी बन के दिखाओ, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. मतलब थैंक यू. नहीं, क्योंकि कितने लोग यही बोलते हैं कि अरे यार तुम तो दिल्ली से ही हो. हाँ. तो ये तो ईजी रहा होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. आपको जब कुछ ऐसा दर्शाना है स्क्रीन पे जो लोगों को उनकी रोज़ाना ज़िंदगी जैसा लगे, जी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, टू बी नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, टू बी एबल टू शो पीपल. अगर आप, वो कहते हैं ना, जैसे हमारे जो डायरेक्टर हैं मृग, वो दिल्ली की हवा फील कर सकते हैं एक एक फ्रेम में. यू नो, दिल्ली की खुशबू फील कर सकते हैं. दिल्ली के एक एक कोना आपको उस जगह पे पहुंचा देता है. बिल्कुल. उसी तरह कैरेक्टर में भी इस तरह की चीज़ें ढालनी पड़ती हैं जिससे कि लोगों को ऐसा लगे
और ऐसा फील हो कि अरे ये तो हमारे जैसा है, बिल्कुल, या अरे ये तो हमारे भाई जैसा है, हाँ, या ये हमारी बहन जैसी है, और वो करना इज नॉट एन ईजी थिंग. जैसा आपने कहा कि आप राजस्थान से हैं, अगर मैं आपको बोलूं अरे राजस्थान की राजस्थानी बन के दिखाओ, तो बन के कैसे दिखाते हैं यार? मुझे कोई बोलेगा राजस्थानी बन के दिखाओ, मैं तो दाल बाटी चूरमा खाऊंगा. बिल्कुल. एक्चुअली मुझे लगता है ये बहुत क्लीशेज भी है, क्योंकि अब जैसे मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन हमारे यहाँ रोज दाल बाटी चूरमा नहीं बनता है, प्लीज. और हम लोग लहंगे चुंडी नहीं पहनते हैं हम लोग. एक और बड़ा, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड दे एक्चुअली आर नॉट लाइक दैट. मैं बल्कि उनको बोलूं या दाल बाटी चूरमा, या तुम तो रोज दाल बाटी चूरमा खाते होगे. अभी ऐसे जरूरी थोड़ी है कि हम पंजाबी लोग रोज बटर चिकन खा रहे हैं नाश्ते. राइट राइट. एक्चुअली फिल्में ये बहुत सारे क्लीशेस तैयार कर देती हैं, तो ये सच में दिल्ली वाले से कह दो ना कि दिल्ली वाला बनना ये बहुत मुश्किल काम मुश्किल है. और आपने बहुत खूबसूरती से किया है. थैंक यू. अब जो हनी चूचा और इनकी जो कहानी है जो पर्दे पे है, मुझे बताइए असल जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त है, हालांकि उसे पता नहीं होगा कि वो चूचा है आप लोग की लाइफ का, बट कोई है ऐसा, या आपके दोस्तों की कैटेगरी में किस किस को आप ऐसा फिट करते हैं कि ये हनी जैसा है, या आप हनी हैं या चूचा? मैं सच्ची इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा कोस्टार है, बट वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है. तो चूचा एक्चुअली में चूचा है. रियली? यस, वो एक्चुअली में चूचा है. वो मतलब दिल का बहुत साफ इंसान है, बहुत ही बचपना है उसमें, और बहुत मज़े करता है. उसको स्ट्रेस लेने की इतनी आदत नहीं है, वो चूचे की तरह ही बस ज़िंदगी में ऐसे फ्लो होते हुए चला जाता है. सो आई फील चूचा इज़ एक्चुअली क्लोजेस्ट टू चूचा. चलिए, तो वरुण हम आप यहाँ पे नहीं है, बट स्टिल हमने इंटरव्यू में आपको बहुत मिस यहाँ करना शुरू कर दिया है. पुलकित, जब हम आपके करियर को देखते हैं, फुकरे ने एक बहुत अच्छा बेंचमार्क दिया है. आज हर कोई कहते हैं ना कि भले ही लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप, बट मुझे लगता है काफ़ी अच्छा स्टीरियोटाइप है कि आपका एक ऐसा काम है जिससे लोग बार बार आपको कनेक्ट करते हैं. बट जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दौर था, और लक्ष्य एक सेंसेशन बन गए थे, हर कोई लक्ष्य को प्यार कर रहा था, उस मोमेंट पर उस पॉपुलरिटी के बाद क्या तभी ये तय हो गया था कि हाँ मुझे फिल्मों में ही जाना है, या क्योंकि हम उस दौर में सोचते हैं ना, अच्छा एक छोटे छोटे बेंचमार्क सेट करते हैं, राइट right. तो क्या ये तभी सेट था, या सोचा था कि नहीं एक बड़ा टीवी स्टार बनूंगा? मैंने ज़िंदगी में हमेशा होप के साथ काम किया है, right. कि मैं अपनी मेहनत करूंगा और होप करूंगा कि मुझे जो चाहिए वो मिलता रहे. उसको चेस करता रहूँगा, लेकिन अगर मिलने में थोड़ा टाइम मिल रहा है तो निराश नहीं होऊंगा. एंड मेरे ख्याल से वही एक चीज़ है, जो आधा रास्ता मैं चला तो आधा रास्ता मंजिल चल के आई मेरे तक. और रास्ते में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरा पहला चांस क्योंकि सास भी कभी बहुती में मिला था मिलेगा. फिर मुझे वो मिला तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं रातों रात हाउस होल्ड नेम बन जाऊंगा, लक्ष्य वीरानी. फिर जब वो हुआ तो मैंने ये नहीं सोचा था कि आई वुड बी वन ऑफ द हाइस्ट पेड एक्टर ऑन टेलीविजन. फिर जब वो हुआ तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे अब इसके बाद एक बहुत बड़ा म्यूजिकल मिल जाएगा, वो भी वैभवी मर्चेंट के साथ, हु इज़ अ मास्टर एट व्हाट शी डज. फिर जब वो हुआ तो मैंने फिर भी ये नहीं सोचा था, सिर्फ होप किया था कि और क्या बेटर कर सकता हूँ मैं. तो मुझे मेरी पहली फिल्म मिली बिट्टू बॉस, वहाँ से फिर मेरी फिल्मों की जर्नी स्टार्ट हो गई. चलिए, सोचा नहीं था, लेकिन जब हम आपकी जर्नी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि एज अ एक्टर आपने अपने मेटल को बहुत ज़्यादा प्रूव किया है बहुत सारी जगह पे, लेकिन क्या कहीं भी फील होता है कि यार बहुत सारे एक जैसे रोल आने लगे हैं, कि कॉमेडी कॉमेडी कि पुलकित यही कर सकता है, क्या ऐसा आपको फील होता है? नहीं, ऐसा है एक्चुअली. यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू आस्क मी दिस. मुझे किसी और ने भी पूछा था, और उनको मैंने एक्चुअली बोला था कि मेरी, अब ये पॉम्पस साउंड करेगा बट दिस इज़ द ट्रूथ, कि मैं जिस तरह का दिखता हूँ, क्योंकि मैं चॉकलेट बॉय दिखता हूँ, हीरो जैसा दिखता हूँ, तो मुझे इसी तरह के रोल सामने आते हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें कि मैं पेड़ों के आसपास गाने गाऊँ, जिसमें कि मैं यू नो घोड़े पे दौड़ के आ रहा हूँ लड़की को बचाने के लिए, या फिर मैं रोमांस कर रहा हूँ या कॉमेडी कर रहा हूँ. सो आई फील कि मेरी लुक्स की वजह से मुझे थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं और जो लेयर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो थोड़े कम ऑफर होते हैं, एंड आई एम वेरी हंग्री फॉर देम. मुझे मौका मिला तैश में कुछ अलग करने का. आई एम वेरी थैंकफुल कि बिजॉय नाम्बियार सॉ दैट कैपेबिलिटी इन मी, एंड ही एक्सप्लॉइटेड दैट एंड गॉट इट आउट ऑफ मी, एंड पीपल लव्ड इट. सो या मेरी तलाश जारी रहेगी, और
मेरे ख्याल से इस बारी हनी में भी काफ़ी शेड्स हैं, शेड्स थे, राइट, तो दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग इन माय फेवर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ फुकरे टू डू दैट विद हनी. राइट, बट ओटीटी के इस दौर में बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनको ये शिकायत थी. इवन कल प्रीति झांगियानी जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी यही चीज़ कही कि मोहब्बतें ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया लेकिन टाइपकास्ट कर दिया और उन्हें परेशान किया. लेकिन क्या ओटीटी खासतौर पे आज के दौर में इतना एक्सप्लोर है, इतना कुछ नया है, ऐसे कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं कि हीरो जैसे दिखने वाले लड़के को कुछ अलग दिया जाए? नहीं, हो तो रहा है. ऑब्वियसली देर आर टू मेनी ऑप्शंस नाउ, देर आर टू मेनी एवेन्यूज नाउ. अब इतने सारे दरवाजे हैं लोगों के पास, तो मुझे ऐसे लगता है कि जिसमें भी आज की डेट में कैपेबिलिटी है और टैलेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं. मेरे हिसाब से OTT इज़ डूइंग फॉर एक्टर्स, OTT इज़ डूइंग वॉट एक्चुअली IPL डिड फॉर क्रिकेटर्स, जिसमें कि हर गली कूचे से बेस्ट टैलेंट इन टर्म्स ऑफ इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट गॉट डिस्कवर्ड एंड दे मेड द वे टू द इंडियन क्रिकेट टीम. सिमिलरली मुझे ऐसे लग रहा है कि चाहे वो YouTube पे हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया पे हो, चाहे वो OTT पे हो या स्टेज पे हो, क्योंकि आज अगर आप स्टेज पे भी कुछ करते हैं वो भी इंस्टेंटली आपके पास इंस्टाग्राम पे आ जाता है, करेक्ट. तो लोगों के पास स्काउट करने के लिए और डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आपके पास डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो आप जितना स्मार्टली और जितना दिल से ये गेम खेलेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा. अपने मेंटल हेल्थ को सैनिटाइज करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिस है? मैं लगता नहीं हूँ वैसा, बट मैं मेडिटेट करता हूँ और मैं रोज़ सुबह उठ के एटलीस्ट 3 पेजेस सिर्फ कचरा लिखता हूँ और कुछ नहीं करता, जिसमें मेरे दिमाग का, दिल का, जो भी सोल का बर्डन है जो है वो सुबह सुबह 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है और निकल जाता है और मेरा पूरा दिन मेरे सामने होता है उसके बाद मज़े करने के लिए उस दिन के. और उससे ये भी होता है कि आपकी दबी हुई फ्रस्ट्रेशन आज नहीं निकलेगी, कल नहीं निकलेगी, परसों नहीं निकलेगी, बट वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो के ना वो साथ में एक दिन भड़ास के तौर पर किसी और पर निकलेगी एंड दैट्स नॉट अ फेयर थिंग टू डू. सो येस, आई हैव हैड अ फ्यू लैप्सेस. आई हैव गॉन थ्रू अ सर्टेन पीरियड इन माई लाइफ वेयर आई फेल्ट वेरी लो, बट माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड माई डिटर्मिनेशन टू बी हैप्पी इन लाइफ एंड टू स्प्रेड हैप्पीनेस इन लाइफ इज़ वॉट एक्चुअली मेड मी एक्सरसाइज ऑल दीज मेंटल सैनिटाइजेशन, जैसे आप कह रहे हैं, या फिर मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना. आई डू माई थेरेपी सेशंस एज वेल रेगुलरली, और उसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़े सटके हुए हैं, नहीं, इट इज़ अबाउट अगर आप और मैं बहुत ही करीबी रिश्ते में हैं, मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगा जिससे हो सकता है कि आप मुझे जज कर लेंगे, राइट. दिस थर्ड पर्सन हैज़ नो जजमेंट एट ऑल एंड दिस थर्ड पर्सन ऑल्सो हैज़ अ सर्टिफिकेट एंड द स्टडीज टू बैक दैट अप एंड टू मेक मी अंडरस्टैंड कि मेरे साथ क्या मैं फील कर रहा हूँ, क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ. और वो सिर्फ ऐसे पॉइंट आउट नहीं करते, वो एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ, दे लेट यू एक्सप्लोर कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है और आप इस पर कैसे काम कर सकते हैं. सो आई हैव बीन लकी दैट माई थेरेपिस्ट इज़ अ फैबुलस थेरेपिस्ट, शी हैज़ हेल्प मी अलॉट. आई एम वेरी लकी दैट माई पार्टनर इज़ कृति एंड शी हरसेल्फ हैज़ बिलीव्स इन मेंटल हेल्थ अलॉट and she's been practicing a lot of things since a long time, so that actually influenced me and got me into it as well. I'm very lucky that my mom has been a constant support in my life. Jahan pe agar main kabhi toota bhi hoon to she is the one who has gathered me always, and yeah, so I'm just blessed to have really lovely people around me. That's what, and just say to Prati that her smile is so beautiful. वो मैं रोज कहता हूँ उसको, बट आई विल से दैट ऑन योर बिहाफ. थैंक यू. तो दरअसल सवाल का पूछने का जरिया या मतलब यही था, क्योंकि अक्सर मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन या इन सारी चीज़ों को हम बहुत टैबू में ले जाते हैं और अब लगता है कि ये लोग सितारे हैं, ये काफ़ी खुश रहते हैं. मैं अभी बताता हूँ, जैसे हम अभी प्रमोशंस के बीच में भी इतना कमोशन होता है, राइट. हम जब कैमरे के सामने आते हैं तो हमें हंसना है, हमें खुश रहना है, बट मुझे ऐसे लगता है कि वो चीज़ एक्टिंग में नहीं होनी चाहिए. कि मैं अभी यहाँ पे आके बैठा, इफ़ आई एम नॉट फीलिंग गुड,
तो मैं ज़बरदस्ती अपने आप को यू नो स्माइल के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ जस्ट टू बी गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. रादर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग विच हेल्प्स मी अ लॉट. और मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ अ मीडियम वेयर पीपल कैन सी दिस कैन अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ रामदेव ही नहीं सब कर सकते हैं और दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. एक नाक से लेने का फिर दूसरी नाक से छोड़ने का फिर उसी नाक से लेने का फिर इस नाक से छोड़ने का. आई डू दिस फॉर अबाउट 5 मिनट्स. इट गेट्स माई एच आर वी इन कंट्रोल. इट इंक्रीजेस माई एच आर वी. गेट्स माई हार्ट रेट डाउन. गिव्स मी एनर्जी फॉर द नेक्स्ट मिनिमम 3 to 4 hours. कीप्स मी हैप्पी. एंड मेरा कॉर्टिसोल भी नीचे चले जाता है. सो एवरीथिंग साइंटिफिकली जो मुझे ख़राब कर सकता है वो सब बैलेंस हो जाता है. सब बैलेंस हो जाता है. क्या बात है. तो देखिए इस इंटरव्यू में आपको मज़ा भी आया है. इस इंटरव्यू में आपको हनी के बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिला है और इस आंसर के बाद आई एम श्योर बहुत कुछ सोचने को भी आपको मौका मिला है कि भाई रोने का काम इमोशन दिखाने का काम किसी एक जेंडर का नहीं है. ये हम सब कैन आई जस्ट से वन मोर थिंग प्लीज़ कभी भी मदद मांगने से नहीं झिझकना चाहिए. बिल्कुल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. जब तक आप किसी से मदद नहीं मांगेंगे ना जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं देती है. आपको मांगना पड़ता है. बिल्कुल. इट इज़ अ रूल ऑफ नेचर. मोमेंट यू विल आस्क द हेल्प विल कम. तो कभी भी झिझकना नहीं चाहिए. कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटी हो जाऊँगी या मैं छोटा हो जाऊँगा कुछ मांगने से. नहीं, बल्कि मांगने से आप दोनों बड़े होंगे. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. सो प्लीज़ ऑलवेज नेवर शाय अवे फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प. सो इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ हम अपने इस इंटरव्यू के नेक्स्ट सेशन में चलते हैं जहां मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास कुछ मज़ेदार से सवाल हैं पुलकित के लिए. तो पुलकित आप रेडी हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूं. तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला. और मुझे जो सबसे प्यारी सी रिक्वेस्ट आई थी वो शिखा की थी और शिखा कुछ मज़ेदार पूछने वाली हैं. शिखा क्या है पुलकित के लिए आपके पास? पहला सवाल है पुलकित की आपकी नज़र में पुलकित की नज़र में फुकरा कौन है? और दूसरा सवाल है कि पुलकित जो है वो शादी कब करना चाह रहे हैं? वो शादी इटली में करेंगे या राजस्थान में? वो हमें बुलाएंगे या फोटो भी लीक नहीं करेंगे? क्या बात है पुलकित. दो सवाल है. ये आज पूरे दिन मैंने शादी के जवाब दिए हैं पता है. देखिए मैंने नहीं पूछा इसलिए. आपने तीर कमान दूसरे कमान से छोड़ा आज. जी तो आपका पहला सवाल था कि मेरी नज़र में फुकरा कौन है. मेरी नज़र में जेन्युइनली सबसे बड़ा जो फुकरा है वो है मृगदीप सिंह लांबा जिन्होंने फुकरे बनाई है. वो हमारे डायरेक्टर हैं और हम सारे कैरेक्टर्स जितने भी हैं आप जेन्युइनली आप उनसे बात करेंगे ना 5 मिनट आप कहेंगे अरे यही तो है फुकरा. वो थोड़ी देर आपको हनी लगेंगे फिर 5 मिनट आपको चूचा लगेंगे फिर वो भोली की तरह आपकी वाट भी लगाएंगे फिर वो पंडित जी वाला कुछ शांतपंथी वाली बात भी कर देंगे. ही इज़ एज इनोसेंट एज लाली एज वेल. तो उनमें एक्चुअली सारे कैरेक्टर्स भर के हैं. So he is the biggest fukra according to me. And the second question. Yes. Ki main shaadi kab karunga? Aur acha aapka second question is part A, part B, part C, correct? Very smart. So part A aapka hai main shaadi kab karunga? Jab Kriti haan bol degi main kar lunga. Aur aapka part B hai ki aap Italy mein karenge ya Rajasthan mein karenge? देखिए अगर ये होस्ट कर रही है तो मैं राजस्थान में कर लूँगा. स्मार्ट आंसर. और आपका पार्ट सी क्या था? कि फोटोज लीक होंगी या आप मीडिया को इनवाइट करेंगे या? हाँ देखो अगर राजस्थान में हो रही है तो फोटो देने के पास आएंगे सबसे. चलो फिर कंफर्म है मुझे इनवाइट मिलेगा. तो फिर अगर लीक है तो इधर से ही है अगर सेफ है तो इधर ही है. इधर ही है फिर नहीं होगा. हाउ स्वीट. प्रतीक है हमारे साथ जिनके पास कुछ मजेदार सा सवाल है. प्रतीक आ जाओ और तुम यहीं खड़े रहो मेरे साथ. अब बताओ. हाय पुलकित. हाय पुलकित. इंस्टाग्राम पर 2003 लोगों फॉलो करते हैं आप. 2003 हो गए अभी? हाँ 2003 हो गए. हाँ. अभी 4 दिन पहले 1999 थे. करेक्ट. राइट. मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है कि कोई एक अकाउंट बताएं आप जो आप हमेशा. हाँ जो जिसको आप ज्यादा मतलब देखते हो. सलीम सैफी. मैं आपको बताता हूँ. नहीं स्टॉकिंग वाली बात नहीं है. मेरे कितने सारे ऐसे जो यू नो फैंस हैं जो मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं फ्रॉम माई क्यूं की डेज. तो मैं उनको फॉलो बैक करता हूँ. कोई मुझे एकदम से ऐसा अकाउंट दिख जाता है जो मुझे बहुत ज़्यादा टैग कर रहा है और बहुत ज़्यादा प्यार शावर कर रहा है एंड दे आर आस्किंग फॉर माई अटेंशन आई डेफिनेटली गो अहेड एंड फॉलो दोज अकाउंट्स. तो वो कर करके अभी 2003 अकाउंट्स हो गए हैं जिसमें से मैं आपको बता सकता हूँ देर इज़ निदा पुलकित. She is a very, very lovely person.
मैं कहीं पे भी दुनिया में किसी कोने में चला जाऊँ, उनको पता होता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और वो वहाँ पर होती हैं. देन देर इज़ सरिम सैफी. वो मेरे शूट पे पता नहीं कैसे पहुँच जाता है, वो मेरठ से है. अच्छा. वो मेरठ से है लेकिन मैं कहीं पे भी शूट कर रहा होता हूँ वो मेरे सेट पर होता है. इट इज़ जस्ट सो वियर्ड. और मुझे नहीं पता होता, मैं अगले दिन इंस्टा पे टैग होके उसकी पिक्चर देख रहा होता हूँ कि अबे ये सेट पे कब था. सो ही डजंट इवन डिस्टर्ब मी इन माई वर्क बट ही इज़ देयर अराउंड मी समवेयर. और मैं जैसी भी फ़ोटो डालूँ, अगर मैं अभी आपके साथ ऐसे करके फ़ोटो डाल दूँगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ वो लड़का कल अपने किसी फ्रेंड के साथ ऐसे करके फ़ोटो डालेगा, सेम विद सेम कैप्शन. सो आई जस्ट बिलीव कि कोई आपको इतना प्यार देता है तो इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं वो रेसिप्रोकेट करूँ. और बड़ी शिद्दत से और बड़ी बड़ी हार्ड वर्क से और बहुत ही ब्लेसिंग से ऐसा प्यार मिलता है. सो आई जस्ट ट्राई टू रेसिप्रोकेट. देखिए एक तरफ पुलकित ये होता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं ट्रोल कर रहे हैं, है ना, ट्रोल होते हैं. लेकिन एक तरफ ये भी देखें कि पहले तो जो पहले आज जब सोशल मीडिया थी, जब इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, तो लोग स्टार, आप लोग जैसे स्टार सोचते होंगे कि फैन कहाँ है, कौन है, है ना. आज तो आप देखते भी हैं तो एक तरह से अभी हमको फीडबैक मिल जाता है. बट मैं आपको ये भी बताऊँ कि ट्रोलर्स उन्हीं को ज़्यादा दिखते हैं जो ट्रोलर्स पे ध्यान देते हैं. मुझे प्यार करने वाले ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि मैं जेन्युइनली उन पे ध्यान देता हूँ और मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ. और मैं कमेंट्स में भी जाता हूँ तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि दिल किसने बनाया है और किस किसने दिए है, डांस वाला इमोटिकॉन किसने डाला है, अगर किसी ने गुस्से वाला डाला है, उल्टी वाला डाला है, सर फूट गया वाला डाला है, मैं देखता ही नहीं. थैंक यू. थैंक यू पुलकित. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रतीक फॉर योर क्वेश्चन. हमारे साथ अब मलखान जी हैं जो वैसे एंटरटेनमेंट में बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन बिजनेस के हमारे हेड हैं. मलखान जी आइए. आई एम वेरी हैप्पी कि आप एक सवाल लाएं पुलकित के लिए. जी हाय पुलकित जी. हाय. मैं डर रहा हूँ भी आपके सवाल से. ठीक है. तो एक्चुअली मुझे ये पूछना है आपसे कि बहुत सारे स्टार्स को हमने देखा है वो इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, राइट, शेयर मार्केट में वो सब. और मेरा काम भी वैसा ही है यहाँ पे, तो मैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूँ. दीपिका जी कोई अगर सुना. एक्चुअली मुझे ये जानना है कि आप जो इतना पैसा मान लीजिए सब स्टार बना रहे हैं तो आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पैसा आप लगा रहे हैं बेसिकली. मैं आपको कसम से एक बार बताऊँ, मेरे को कृति पॉकेट मनी देती है. सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको. मैं इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ही ख़राब आदमी हूँ. मैं गलत आदमी हूँ. या मेरे पापा ध्यान रखते हैं या कृति ध्यान रखती है, बस. इसके अलावा और कोई ध्यान नहीं रखता मेरे पैसे का. और मेरा पैसा सिर्फ मेरी फैमिली के लिए ही है. वो जिस तरह से जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं, आई नो वी आर फैमिली बिजनेसेस ऑफ रियल इस्टेट. हम लोग MNCs को और बड़े बड़े बैंक्स को जगह बना के रेंट पे देते हैं. सो माई फैमिली इज़ टू काइंड. वो कुछ कुछ जगह पे मेरा पैसा डाल के वहाँ से रिटर्न्स मेरे पास ऑटोमेटिकली आता रहता है. मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे को मैसेज आया होता है आज इतने पैसे आ गए. आई एम लाइक वाओ दिस इज़ ग्रेट. बट उसकी यूजेज मेरे को एक एक पाई पाई का हिसाब कृति को देना होता है. आई थिंक ये सवाल अब हम कृति है. ये आप कृति से पूछेंगे वो आपको प्रॉपर बताएगी. उसकी उसकी बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट्स है. जी थैंक यू मलखान सो मच. मुनीश और श्यामू आप दोनों के पास जो सवाल है प्लीज जल्दी से आ जाइए. आई थिंक दोनों आप सवाल एक साथ पूछ लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. हाँ मुनीश. अब मेरा बहुत इजी सवाल है आपसे, आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं इसका. हमको मुश्किल लगा आपका सवाल. फिल्म में मैंने देखा कि हमेशा जो हनी है वही सारी प्रॉब्लम, मतलब सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हनी ही निकालता है. और अभी तक हमने जितना भी 1, 2, 3 पार्ट में जो भी देखा वही होता है. लेकिन रियल लाइफ में आपके फ्रेंड सर्कल में क्या आप ही हैं जो सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालते हैं? रियल लाइफ में तो मैं काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स में डलवा देता हूँ. बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स निकालने के लिए मेरा भाई है. और अगेन कृति इज़ अ बिग सपोर्ट सिस्टम इन दैट सेंस. एंड माय डैड और मैं जॉइंट फैमिली को एक्चुअली बिलोंग करता हूँ. तो हम लोग 13 या 14 सदस्य हैं जो एक साथ एक ही घर में रहते हैं दिल्ली में. और मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे जितना भी सपोर्ट मिलता है मेरी फैमिली से मिलता है, कृति से मिलता है और मेरे जो गिने चुने 2-3 वेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे मिलता है. तो मैं कभी भी किसी भी टाइम पे, मुझे ये गारंटीड पता है कि मैं किसी भी टाइम पे किसी भी प्रॉब्लम में होऊंगा, चाहे वो दिन का 3 बजा हो या दोपहर का 3 बजा हो, रात का 3 बजा हो, जो भी टाइम हो, वो सब मेरे लिए वहाँ पे खड़े होंगे. एंड वाइस वर्सा मैं भी उनके लिए खड़ा होऊंगा. मतलब मल्टीपल हनी है आपकी लाइफ. मल्टीपल हनी है मेरे लाइफ में.
थैंक यू मुनीश. शामू पुलकित, मेरा सवाल है कि जैसे फुकरा एक ऐसी फिल्म है कि कभी मूड खराब है, कुछ भी हुआ, जैसे हम लोग कभी काम करते हैं, कभी बिगड़ गया मूड तो घर जाके फुकरे देख लो, थोड़ा अच्छा लगता है. तो आप ऐसे कौन सी फिल्में हैं 4-5 जो आपको पसंद हैं, जो आप कभी भी देख सकते हैं? मेरी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज फुकरे से पहले ना हमारे घर में पूरा टाइम कभी किसी का मूड खराब है तो हम सब भाई बहन मिल के ओए लक्की लक्की हुए देखते थे. ठीक है, वो अलग ही लेवल कल्ट फिल्म है दिल्ली की. ओके, उसके बाद आई फुकरे और वो मेरी खुद की पिक्चर. और अगर मेरे घर वाले किसी मूवी के डायलॉग्स ज़ुबानी जानते हैं ना, एक एक लाइन, एक एक डायलॉग, और वो तब लगाते हैं कि हाँ चल रही है देख लो, मूड ठीक हो जाएगा, आज मूड थोड़ा ऐसे है, फुकरे देख लेते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि जितना प्यार हमने सबने मिल के ओए लक्की लक्की ओए या अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों को दिया घर पर, उतना ही प्यार मेरी खुद की फिल्म को मेरे घर से मिल रहा है. सो दैट बिकम्स अ वेरी गुड बेंचमार्क फॉर मी कि मैं वो गूज़बम्स हो रहे हैं बोलते हुए, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर, कि मुझे लगता है कि हाँ लाइफ में कुछ अच्छा किया है, जिसमें कि घर वालों का भी अगर मूड मेरे को लेके भी अगर ख़राब है तो मैं फुकरे का भेज देता हूँ उनको प्राइम वीडियो का लिंक, ये लो देख लो. वैसे हमारी टीम का फुकरा शामू ही है, सबसे मज़ेदार बंदा है, और आप इससे कोई काम कहें मैं गारंटी दे रही हूँ होगा नहीं. तो ये हमारे शामू की क्वालिटी है. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर क्वेश्चंस, एंड बिग थैंक यू टू यू फॉर योर लवली आंसर्स. एंड न्यूज 18 हिंदी के साथ आप जुड़े पुलकित, बहुत मजा आया आपसे बात. थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू. सेम, थैंक यू. तो दर्शकों ये थे पुलकित सम्राट हमारे साथ. फुकरे अभी तक थर्ड पार्ट जो है अगर अभी तक नहीं देखा है तो भैया जाओ देख लो, क्या इंतजार कर रहे हो. लेकिन उससे पहले ये इंटरव्यू देख लो, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारी फुकरापंथी हम लोगों ने कोशिश किया यहाँ पे करने की. न्यूज़ 18 हिंदी के साथ बने रही, धन्यवाद.